नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पॉज इंजेक्शन का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, पॉज इंजेक्शन को कैसे लगाया जाता है और पॉज इंजेक्शन की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशंस में पॉज इंजेक्शन को लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। पॉज इंजेक्शन का उपयोग अधिक ब्लीडिंग को रोकने के लिए किया जाता है, जैसे कोई एक्सीडेंट या कोई गंभीर चोट लगने पर, नाक से खून बहने पर, सर्जरी के दौरान अधिक खून बहने पर, पेट की आंतों में ब्लीडिंग होने पर, महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान अधिक ब्लीडिंग होने पर, महिलाओं में डिलीवरी के बाद अधिक ब्लीडिंग को रोकने के लिए और दांत निकालने के बाद ज्यादा खून को बहने से रोकने के लिए पॉज इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। हीमोफीलिया होने पर भी पॉज इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। हीमोफीलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड का क्लॉटिंग सामान्य रूप से नहीं होता है, जिसके कारण कोई चोट लगने पर शरीर के अंदर या बाहर ब्लीडिंग अधिक हो सकती है। पॉज एक ब्रांड नेम है। पॉज इंजेक्शन के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन ट्रैनेक्सामिक 500 mg होता है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में पॉज इंजेक्शन की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में पॉज इंजेक्शन की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और दस्त होने की समस्या हो सकती है। पॉज इंजेक्शन के सीरियस साइड इफेक्ट्स में डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने पर नस में ब्लड क्लॉट जम जाता है, जो आमतौर पर पैरों में ही होता है। नस में ब्लड क्लॉट जम जाने पर ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से पैरों में दर्द व सूजन हो सकती है, और कुछ व्यक्तियों में कोई लक्षण नहीं होते हैं। इसके अलावा पॉज इंजेक्शन की वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म और सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने पर फेफड़ों की आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाती है, और सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस होने पर ब्रेन की सेरिब्रल वेन में ब्लड क्लॉट जम जाता है। पॉज इंजेक्शन को बहुत जल्दी लगाने से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, इसलिए पॉज इंजेक्शन को नसों के अंदर धीरे धीरे लगाना चाहिए और 1 मिनट में 1 मिलीलीटर से ज्यादा पॉज इंजेक्शन को नहीं लगाना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि पॉज इंजेक्शन को कैसे लगाना रिकमेंडेड होता है। पॉज इंजेक्शन को केवल इंट्रावेनसली यानी केवल नसों के द्वारा लगाया जाता है। अधिक ब्लीडिंग को रोकने के लिए डॉक्टर आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को पॉज 500 mg इंजेक्शन को दिन में 2 से लेकर 3 बार लगाने की सलाह देते हैं। पॉज इंजेक्शन की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको पॉज इंजेक्शन को लगवाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशंस में पॉज इंजेक्शन को लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होने पर, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने पर, किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर, जिन व्यक्तियों को मिर्गी या दौरे आते हैं और जिन व्यक्तियों को पैरों, फेफड़ों या शरीर के किसी भी हिस्से में पहले खून का थक्का बनने की समस्या हुई है, तो ऐसे व्यक्तियों को पॉज इंजेक्शन को लगाना रिकमेंडेड नहीं होता है। जिन महिलाओं को मासिक धर्म समय पर नहीं आते हैं, उन महिलाओं को भी डॉक्टर की सलाह के बिना पॉज इंजेक्शन को नहीं लगवाना चाहिए। वैसे पॉज इंजेक्शन प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है, और स्तनपान करा रही महिलाओं को भी पॉज इंजेक्शन को लगाना सुरक्षित है। वैसे पॉज इंजेक्शन माँ के दूध में थोड़ी सी मात्रा में निकलता है, लेकिन इसकी वजह से दूध पीने वाले बच्चे में अभी तक कोई साइड इफेक्ट्स नोटिस नहीं किए गए हैं, इसलिए जरूरत पड़ने पर डॉक्टर प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को पॉज इंजेक्शन को लगवाने की सलाह दे सकता है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका पॉज इंजेक्शन से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।